has actually been knocked out of the World Cup. New Zealand are through to the finals, but India's campaign was somehow very disappointed. In the final, me aake itna fast aane ke baad 10 runs se ya 20 runs se haarna bahut acha nahi hai. Sunna, aapka kehna hi bahut dukhdayi hai. Badi umeed thi aur bahut dukh hai is baat ka hame. Sabko hi dukh hai. Number one in the table and then a spell of bad cricket and then you're out of the tournament completely. So it breaks your heart also. इंडियन क्रिकेट के एक सितारे का अस्त हो रहा था। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महापर्व पर ये पराजय संपूर्ण भारत के लिए असहनीय थी। माही का ये रोना, रोहित की वो मायूसी, भारत के तपन का प्रतीक थी। कप का तप पुनः एक बार प्रारंभ हो चुका था। ऐसे में माही की ये घोषणा, MS Dhoni, former captain of the Indian cricket team, retires from international cricket. That's, you heard it correct, MS Dhoni finally announcing official retirement from international cricket. Remember, he last played in 20. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अब भारत का माही भारत का साथ छोड़ चुका था, परंतु कप का तप बिन माही जारी था। 1923 आते आते भारत में बहुत कुछ बदल चुका था। विराट की कप्तानी पर विवाद हुआ, विराट से कप्तानी गई। Right now, विराट कोहली resigns from Test cricket captaincy after ODI and Test. Kohli now steps down from. पिछले चार सालों में बैक टू बैक भारत चार बड़ी ICC ट्रॉफीज को हार चुका था। अब सबको इंतजार था वर्ल्ड कप 2023 के इस वर्ल्ड कप से। दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था, परंतु उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो उठी थी। परंतु एक बार फिर संपूर्ण भारत कप के दीदार को तैयार था। अब संपूर्ण भारत का सिर्फ एक ही मकसद, एक ही नारा, एक ही दीदार था, इस बार कप हमारा होगा। कप्तान कोच ने मिलकर एक नई टीम का गठन किया, कुछ कुछ बदलाव किए और तैयार की एक नई टीम इंडिया, एक नया भारत, जिन 15 प्लेयर्स के कंधों में था 125 करोड़ भारतवासियों का सपना। एक यंग भारत, एक नया भारत तैयार था वर्ल्ड कप 2023 के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल सीरीज अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड कप 2023। अक्टूबर 2023 चेन्नई के इस मैदान से भारत वर्ल्ड कप के सफर की शुरुआत करने जा रहा था। इस सफर के शुरुआत में भारत का पहला मुकाबला 5 बार के विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया से था। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी का आमंत्रण दिया। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार थे टीम इंडिया की सुपर पावर जसप्रीत बुमराह। वहीं कंगारुओं की ओर से ओपन कर रहे थे कंगारुओं के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। जसप्रीत ने अपना पहला ओवर किफायती फेंकने के बाद अपने दूसरे ओवर में कंगारुओं के दूसरे ओपनर मिचेल मार्श को अपना शिकार बना लिया। जसप्रीत के सामने मिचेल का खाता तक न खुल सका और मार्श के आउट होने के बाद अब कंगारू पारी को संभालने के लिए मैदान में आ चुका था द मैन, द मिथ, द स्टीव स्मिथ। स्टीव ने वार्नर के साथ मिलकर कंगारुओं के लिए एक फाइट बैक किया और पहले 10 ओवर में 43 रन जोड़ डाले। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह जम चुके थे। ऐसे में इन दोनों का अतिक्रमण देख टीम इंडिया के कप्तान ने अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया। रोहित का यह पैतरा तब काम कर गया जब कुलदीप ने वार्नर को कट एंड वोल्ड कर कंगारुओं को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। वार्नर के आउट होने के बाद अब स्टीव के साथ मानस लावसेन मैदान पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को संभालने का प्रयास किया और 25 ओवर तक कंगारुओं के इस स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। 25 ओवर के बाद ये खेल पूरी तरह बदल चुका था। कंगारुओं की ये पूरी फौज टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने बिखर चुकी थी।
पहले स्टीव, फिर लाहुसेन और अंत में कैरी, सबके सब टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने घुटने टेक चुके थे, परंतु बिक्सो द मैक्सिमम मैक्सवेल का संघर्ष अभी भी जारी था। ऑस्ट्रेलिया के ये बल्लेबाज टीम इंडिया के सामने पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए और टीम इंडिया के सामने 199 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं। ये रहा कंगारू बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया को चेन्नई का ये किला सुरक्षित रखने के लिए अगले 300 गेंदों में 200 रनों की चुनौती थी। ये लक्ष्य आसान तो नहीं था, परंतु इस लक्ष्य पर विजय प्राप्ति हेतु टीम इंडिया के सामने थे कंगारू, वही कंगारू जो जीतने तक हार नहीं मानते, जिनके पास लक्ष्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वो मैदान में उतरते हैं तो फिर मैदान की हर बाजी उनकी ही होती है। टीम इंडिया अपने ओपनर्स के साथ इस लक्ष्य को भेदने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। रोहित के साथ किशन की ये जोड़ी अद्भुत थी। वहीं कंगारुओं की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार थे यॉर्कर स्पेशलिस्ट मिचेल स्टार्क। मिचेल ने अपने पहले ही ओवर से टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों पर अपना आक्रमण जारी कर दिया और पहले ओवर की चौथी बॉल पर किशन को गोल्डन डक पर आउट कर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे दिया। किशन बिना खाता खोले टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, परंतु टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अगले ओवर की तीसरी बॉल पर जॉस हेजलवुड ने कप्तान रोहित शर्मा के पैड पर बॉल मार दी। अब टीम इंडिया का कप्तान भी बिना खाता खोले टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। भारत अब कंगारुओं के सामने 2-2 था और टीम इंडिया के लिए मैदान में था टीम इंडिया का किंग, द किंग विराट। भारत के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी बिना खाता खोले टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। बैक टू बैक गिर रहे ये विकेट भारत की दुर्दशा को प्रकट कर रहे थे। ऐसे में संपूर्ण भारत के मन की वो अभिलाषा कंगारुओं के सामने घुटने टेक रही थी, परंतु जब तक किंग भारत के लिए मैदान में था तब तक भारत के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं था। अय्यर के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल किंग का साथ निभाने के लिए मैदान पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और पहले 10 ओवर में महज 27 रन बनाए। इन दोनों का मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलकर टीम इंडिया को धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाना। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 80 रन पर 3 विकेट। टीम इंडिया के ये दोनों पराक्रमी बल्लेबाज अब अपने अंदाज में भारत के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। सेट हो चुके भारत के ये दोनों शेर कंगारू गेंदबाजों का अब अपने अंदाज में जवाब दे रहे थे। विराट और राहुल का अवर्ध शतक आ चुका था। 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। यहाँ से यह मैच जीतने के लिए अगली 120 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी। मैच के प्रारंभ में जो टीम इंडिया कंगारू गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रही थी, वही टीम इंडिया राहुल और विराट के चलते कंगारुओं के सामने फाइट बैक कर चुकी थी। 35 ओवर तक टीम इंडिया के खाते में 159 रन थे। अब अगले 15 ओवर में ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 41 रनों की जरूरत थी। भारत के ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, परंतु हेजलवुड ने एक बार फिर से अपना पराक्रम दिखाया और किंग विराट को 85 के स्कोर पर पवेलियन की राह पकड़ा दी। किंग विराट के आउट होने के पश्चात कंगारुओं की ये फौज टीम इंडिया को घेर कर पराजित करने की तैयारी में थी, परंतु राहुल और हार्दिक ने उनके मंसूबों में पानी फेर दिया। अंत में इस छक्के के साथ केएल राहुल ने मैच के प्रारंभ में संघर्ष कर रही टीम इंडिया को एक शानदार मैच जिता दिया। कंगारुओं की ये फौज अपने पहले मैच में टीम इंडिया के सामने परास्त हो चुकी थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से किंग विराट ने 116 गेंदों में 85 रन बनाए, वहीं केएल राहुल ने 115 गेंदों में 97 रनों की एक शानदार पारी खेली। ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। जॉस हेजलवुड कंगारुओं की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे। हेजलवुड ने 9 ओवर में 38 रन खर्च करके टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। इस सफर की शुरुआत तो शानदार तरीके से हो चुकी थी, परंतु आने वाले अगले मैचेस भारत के लिए आसान नहीं थे।